बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चौलाई सब्जी के बारे में। जी हाँ, चौलाई एक प्रकार की सब्जी है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चौलाई की सब्जी शायद सबने खाई होगी, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके फ़ायदे जानते होंगे। हरी सब्जियों में अपना एक अलग नाम रखने वाला यह पौष्टिक गुणकारी सब्जी हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुँचाता है। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, यह अपने पौष्टिक गुणों से विख्यात है। इसमें प्रोटीन, विटामिन ए और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह कई बीमारियों के उपचार में काम आता है। आयुर्वेद में चौलाई को एक औषधि माना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको चौलाई के फायदे विस्तार से बताऊंगी। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए चौलाई का सेवन उत्तम माना जाता है। इसके बीज और तेल फाइबर से भरपूर होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जाना जाता है। यह धमनियों के कठोरता को रोकता है, जिससे दिल के दौरे की समस्या कम होती है। इसमें पोटेशियम की अधिकता होने के कारण यह रक्त वाहिकाओं को आराम देकर हृदय को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। आयुर्वेद में चौलाई के जड़, पत्ते और बीज औषधि के रूप में काम आते हैं। इसकी पत्तियों और बीजों में प्रोटीन, विटामिन ए और सी पाया जाता है, जो एनीमिया जैसे रोग से लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसके सेवन से शरीर में रक्त की कमी दूर होती है। शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए इसका सेवन सब्जी या सूप के रूप में कर सकते हैं। चौलाई में फाइबर और एमिनो एसिड होने के कारण यह भोजन को पचाने में मदद करता है और पाचन शक्ति में बढ़ावा मिलता है। इसी कारण से इसे पारंपरिक रूप से बीमारी से उबर रहे मरीजों को दिया जाता है। चौलाई में विटामिन ए और विटामिन सी उच्च मात्रा में होते हैं, जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ए आंखों की सतह को स्वस्थ रखने में मदद करता है और आंखों के संक्रमण को रोकता है। इसके नियमित सेवन करने से धब्बेदार अंधपतन और मोतियाबिंद के खतरे को कम किया जा सकता है। कैंसर जैसे भयानक बीमारी के प्रकोप को कम करने में चौलाई का अहम रोल है। यह कैंसर के विकास को रोकने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर ग्रसित कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, जिससे कैंसर में रोकथाम होता है। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, जिससे हड्डियां कमजोर और अति संवेदनशील नहीं होती है। अब जबकि चौलाई में कैल्शियम की मात्रा उच्च होती है, जो यह हड्डियों की रिपेयरिंग और उन्हें लचीला बनाने में सहायक होता है। चौलाई खाने से ऑस्टियोपोसिस की अधिकता कम होती है। एमरेंथ का एक और स्वास्थ्य लाभ यह भी है कि मौजूद आवश्यक विटामिन, खनिज और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक रखने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, तो आप चौलाई का सेवन कर सकते हैं। चौलाई में मौजूद लाइसिन एमिनो एसिड कैल्शियम की दक्षता को सुधारता है और बालों के रोम को मजबूत रखता है, जिससे बाल झड़ने से रुकते हैं। यह बालों को असमय सफेद होने से रोकने में भी काफी प्रभावी है। चौलाई में इंसुलिन के स्तर को कम करने और भूख नियंत्रण के जरिए रक्त शर्करा का सेवन करने की क्षमता होती है। यह डायबिटीज के रोग को नियंत्रित करने में सहायक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन रक्त में इंसुलिन के स्तर को कम कर और हार्मोन की विज्ञप्ति कर अपनी भूख को दबा देता है, जिससे कि आप भूख कम महसूस करते हो, तो आपको चौलाई का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह आपके वजन को कम करने में भी सहायक हो सकता है। लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन्हें आप जरूर जानें। इसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सालेट और नाइट्रेट्स जैसे विषाक्त घातक होते हैं, जिन्हें उबालकर ही दूर किया जा सकता है। शुगर से पीड़ित व्यक्ति चौलाई का सेवन करने से बचे। बच्चों और कुछ लोगों में जो लियोसीन प्रोटीन का सहन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पेट दर्द का कारण बन सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि चौलाई से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं, तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।